उसको छोड़ दो। बाबा, आपने चार दिनों से फूलों के अलावा पानी को तक हाथ नहीं लगाया, आज तो कुछ खा लीजिए बाबा। इस धरती पर किसी भी इंसान को 100 साल जीने के लिए कम से कम जरूरत पड़ती है 4 चीजों की। पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा नींद, चौथा खाना। लेकिन मेरे जैसे इंसान को 100 साल में 1 दिन जीने के लिए इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज एक ही है, वो है लड़की। पापा, पापा, बचाइए। बेटी सपना, पापा। 4 दिन हो गए मेरी बेटी को उस रूम में बंद करके रखे हैं। सीएम साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटी को छोड़ दीजिए। यहाँ पैर पड़ेगा तो तेरी बेटी ऊपर चली जाएगी। सब लोग रुक जा। तू कैसा बाप है रे? ऊपर तेरी बेटी आराम से एंजॉय कर रही है तो तू इतना भोकार मार के काहे को रो रहा है? हमारा बेटा भी एंजॉय कर रहा है तो हम रो रहे का? लेट अस एंजॉय। चीयर्स। पीले पीले। कौन सी चक्की का आटा खाती है तेरी लड़की? जान जाने तक कोशिश की लेकिन अभी भी जिंदा है वो। क्यों बेटा, फिर से फेल हो गया? वो मेरी मर्दानगी को ललकार रही है बाबा। हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया रे। रेप करने में मेरा भी रिकॉर्ड ब्रेक करेगा कहकर सारे गांव को बता दिया था यूजलेस फेलो। चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं पापा? अरे तुमको पास कराने का जिम्मेदारी हमारा है ना बेटा, एक बार लड़की से मुलाकात करके आता हूँ। सुने सुने, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। बेबी, आज कहे जोड़ रही है जाने मान? अरे सपना भगवान। ये तुमने क्या किया पापी? सोच रहे हो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहा है? ये भी हमारी तरह है, हम इंसान हैं, ये बात हम भूल चुके हैं। ये मुख्यमंत्री है, इस बात को सीएम का पद मिलने के दूसरे पल ही भूल गया है। वैसे हमारे अंदर के इंसान को और इसके अंदर के मुख्यमंत्री को जगाने वाला, हिम्मत वाला, जिगर वाला कहाँ है? कब आएगा? रामगढ़, हनुमान की गदा युद्ध की तरह, इंद्र की वज्र युद्ध की तरह, इस गांव की जनता को चोरों से बचाने के लिए एक तेज हथियार है। एक बार इस हथियार को इस्तेमाल करेंगे तो काफी है। चारों तरफ कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, हथियार देखते ही सारे दुश्मन भाग जाएंगे। इस गांव के लोगों को किसी का स्वागत करना हो तो उनका एक रिवाज है, उनका हथियार और रिवाज दोनों एक ही है। वो आ रहा है। कैसे?
मेरे यार। ये बंटा कैसा है बे? तू यार, तू कैसा है? अक्कास बे। बाप रे, इतनी बड़ी कार कहाँ से खरीदी यार? फॉरेन से खरीदी है, करोड़ों रुपए दिए हैं, अभी इम्पोर्ट कराई है। कौन से पोर्ट की है? अबे पोर्ट नहीं, इम्पोर्टेड है। ठीक है, जाने दे। ए, अरे जल्दी आओ तुम दोनों, मुहूर्त बीता जा रहा है। आ रहे हैं, चल। हाँ चल। शुरू किया जाए। पहली बार रामगढ़ के छोटे धमाको हाजिर हो। विजय भव। रामगढ़ के पुराने धमाको ये। लगता है ये कुछ ना कुछ रोक रहा है। अब हमारा रिटायरमेंट लेना ही बेहतर होगा। क्या यार, ना साउंड है ना रिदम है। तुम लोगों ने तो गांव का रिवाज मिट्टी में मिला दिया। वेरी बैड शिट। रामगढ़ के युवा धमाको। शाबाश बंटा। ए, इन छोटे धमाकों को चना और मूली सबसे ज्यादा खिलाओ, ठीक है? हाँ। और इन बूढ़े धमाकों को आलू के समोसे हर घंटे में एक एक देना, ठीक है ना? और युवा धमाको, शाबाश, तुम लोगों का तो कोई जवाब नहीं है, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। ए, शुरू करो। ए, रुक जाओ यार, नाचना बंद करो, सब लोग जाओ। सेंटो आ गया, भागो 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 भागो। अरे मेरे यार। वही बदबू। आर यू संडू? ए मेरे यार। कैसा है तू? हाँ, एकदम बढ़िया। चल, स्वागत तो बहुत बढ़िया हुआ यार। ऐसा क्या? बाय 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 बाय। अच्छा यार, पहले तो तेरे खाने पीने और सोने के तक वांदे थे, अब क्या हुआ, पावर स्टार पवन कल्याण की तरह दिख रहा है एकदम। हाँ। वैसे शहर में करता क्या है तू? होटल में जॉब करता हूँ यार। होटल में? ए, होटल मतलब अपने गांव के जैसे फालतू होटल में नहीं। तो फिर फाइव स्टार होटल में। फाइव स्टार मतलब हमारे चिरंजीवी चिकन खाने। महेश बाबू मटन खाने। हे, गांव से बहुत लिया है, वापस लौटा दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। पवन कल्याण पिज्जा खाने। ये
सभी स्टार्स हमारे होटल में आते हैं। तो फिर डार्लिंग प्रभास? क्या प्रभास? अरे अपने बाजू में रहता है ऊपर टेरिस पर। दोस्तों तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई राजा हूँ? आखिर मैं हूँ कौन? हमें शहर ले जाकर हमें जॉब दिलवाने आए हो। हमारे गांव के देवता अमरेंद्र बाहुबली के अंश हो तुम। मैं तो एक्टिंग कर रहा था, ये तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है मेरे साथ शहर आने का प्लान बना रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है बच्चों। क्या बात कर रहे हो यार? उसके लिए बड़े बड़े कोर्स करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है। जो भी कोर्स हो कर लेंगे, जो भी मुश्किल होगी सहेंगे। हमें भी अपने साथ ले चलो यार। ठीक है तुम लोगों की मर्जी, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मुझे एक बार कॉल कर लेना। ओके थैंक यू भाई। अरे कोई बात नहीं, यू वेलकम। वहीं रुको। कितना बार तुम लोगों को समझाया बुड़बक कहीं का, बच्चा लोगों के सामने लाश लेके मत जाना, कहा था कि नहीं? गलती हो गई। अरे हनी। हाँ साहब जी। आज तेरा कलेक्शन कितना है? 10 रुपए साहब जी। 10 रुपया? हाँ साहब जी, आज इतना ही मिला, लेकिन कल जरूर 100 रुपए लेके आऊंगा साहब जी, मुझे मत मारिएगा साहब जी। वेरी गुड वेरी गुड। आज तुम 10 रुपया लाए हो, कल 100 रुपया लाऊंगा। बहुत कॉन्फिडेंस से बोला तू, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमको बहुत पसंद आया बेटा। अरे वेरी गुड बॉय। बच्चा लो, कल से तुम्हारे टीम का लीडर हनी सिंह होगा। तेरा कलेक्शन कितना है बेटा? तू बैठ जा। साहब अभी भी बुखार है। अरे बेटा दवाई नहीं लिया का? डॉक्टर सर, बच्चा को दवाई दिया या नहीं? सुबह दी थी सर, और वो दवा 2 रुपए की थी सर। 2 रुपए का दवाई दिया है ना बेटा, कल से काम पे जाना। लेकिन अभी भी बुखार है साहब। उड़ बक कहीं का। मम्मी। भैया, ये लड़का को अंधेरा कमरा में ले जाकर हाथ और पैर बांध के तोड़ के रख दो। ठीक है भैया, चल चल, छोड़ दो, चल चल। कल से ड्यूटी पर जो नहीं जाएगा, हमको ठंडा बुखार आया है, चीटी ने काटा है, चड्डी फट गई है कहकर अगर कोई नहीं गया तो सबका हालत ऐसा ही कर देंगे, समझ गए ना? याद रखना। क्या है बाबा, क्या है ये चिंदीगिरी? छोटे बच्चों से चिल्लर का धंधा, कहाँ है हम, कहाँ है हमारी रेंज? रेंज की बात कर रहा है? घर में पत्नी के रहते हुए बाहर काम वाली मिल गई तो उसे ऐसे ही जाने देंगे का? बुड़बक कहीं का। फालतू का बात कर रहा है, करोड़ों है तो क्या हुआ, फोकट में मिलने वाले पैसों को कोई ऐसा ही छोड़ देगा का? जब तक ओहदा है तब तक पैसा है, प्रधानमंत्री होके पूरा देश पर राज करेंगे बेटा। खीर खुरमा खाने जैसा एजी समझ रहा है ये देश पे राज करना, इतना आसान नहीं है, जाएगा तू कचरे के भाव में। अच्छा मैंने पहले ही बताया था ना, आज मेरे भाई का बर्थडे है, वहीं पर आई हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके बाय, सी या। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday! Hey! 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 Oh, का फोन। Hey! हाँ बोल भाई। सुनना भाई, शहर में आ चुके हैं? अच्छा ठीक है यार, मैं आ रहा हूँ। दादी, गांव से फ्रेंड्स आए हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ।
ठीक है? ठीक है बेटा, संभल के जाना। ठीक है दादी माँ। बेटी अंदर आओ। जाइए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरे भाई का बर्थडे था, मैं इतनी एक्साइटेड थी, गिफ्ट भी ले आई थी। मेरे आने से पहले ही सारा फंक्शन खत्म हो गया। ओ, इसलिए नाराज हो? मैं हमेशा कहती थी ना बेटी, तुम्हारी तरह ही अनाथालयों को संभालने के लिए उस भगवान ने एक अच्छे इंसान को भेजा है। अभी जो गया ना, वही है बेटी। माँ बाप ने छोड़ दिया इन बच्चों को, बच्चों ने छोड़ दिया अपने माँ बाप को, इन्हें एक जगह मिलाने वाला वही है बेटी। हाँ तो बंटा लोग, कुछ खास खबर है तो सुनाओ अपने गांव की। अभी इससे बात मत कर यार, नहीं तो कार खराब हो जाएगी। इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है? कार बाजू में लगा दूं क्या? ए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये कार में नहीं होगा, पैलेस पर होगा। ओह, तो ये बात है। अबे इसके लिए पैलेस की क्या जरूरत है, बाजू में अपना कॉलेज है, पैलेस से ज्यादा रिच है, वहाँ तेरा ज्वाइनिंग भी हो जाएगा और आउटगोइंग भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू यार। ए, कौन हो तुम लोग, यहाँ पर क्यों आए हो? ए, बाथरूम कहाँ है? वो उस तरफ। ये पकड़। ये येड़ा है क्या? वो ऐसे ही है, कुछ भी रोकता नहीं है, चाहे अपलोड हो या डाउनलोड। अच्छा है। अच्छा चल, अब बता गांव की हालत कैसी है? सब बढ़िया है। गुड गुड। हेलो पुलिस स्टेशन, हमारे कॉलेज में बम फट गया है। मोटू ने छोड़ा है। तो उसने अपने गांव का झंडा यहाँ शहर में भी लहरा दिया है। अरे वाह, अब ठीक है, चलो। क्या बे, मजा आया ना? बहुत खुश हूँ भाई। अरे शादी के दिन सुहाग रात में दूल्हा जो सुनामी करता है ना, उससे भी ज्यादा खुश हूँ भाई। टाइम हो रहा है, प्रिंसिपल से मिलता है, चल। ओके, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, और 5,000 रुपए देंगे तो हमारे कॉलेज के हॉस्टल में आराम से रह सकते हैं। छी छी, हॉस्टल में? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये क्या समझ रहा है हम लोगों को? रुको यार, हमारे पैसे वापस कर दीजिए, हम दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करेंगे। हम क्या है, हमारी रेंट क्या है? ये हॉस्टल्स हमारी बॉडी को सूट नहीं करते, हमारे बड़े बड़े कारनामे हैं। क्यों भाई परितोष, इसे प्रिंसिपल का ऑफिस समझ रहे हो या म्यूनिसिपल ऑफिस समझ रहे हो? सॉरी सर, मैं इन्हें समझा दूंगा सर। ए, चलो रे, चलो। प्रिंसिपल के सामने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। ए, आता। सालो, तुम लोग बहुत उड़ रहे हो, हाँ? साथ में बहुत पैसा लेकर आए हो क्या? ए भाई, गांव में जानवर बेच के बहुत सारा पैसा लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, हाँ दिखा। देख अब क्या करेंगे? मजे करेंगे खूब। नहीं लीडर नहीं हीरो, पर समझो ना हमको जीरो। हे दिल अपना है अनमोल न गिना, सीखो हमसे तो प्यार में जीना। हम इश्क में अरमान लुटा दे, दिल की क्या ये जान लुटा दे। यारों का टशन है जुदा, जो भी मिलता है वो होता है सीखो जीने की अदा।
मोहब्बत वाला वो ही जिए मस्त होके लाला। फोटो के पैमाने छलकाने दो, आँखों के मैखाने खुल जाने दो। जन्नत के दर खुल जाएंगे, मन्नत के गुल खिल जाएंगे। ए दोस्तों कर लो यकी, खुल के जियो ये जिंदगी। यारों का टशन है जुदा, जो भी मिलता है वो होता है फिदा। ए टेंशन वेंशन कर दो विदा, आओ हमसे सीखो जीने की अदा। ए समरगर, चल शाना कमाल था लड़की को, सुधरेगा नहीं तो। ए भाई गुड नाइट। नमस्ते। अच्छा यार, शहर की लाइफ कैसे लगी तुझे? वाह वाह सुपर है, मजा आया ना? तू खुश तो मैं भी खुश, समझा? क्या रे, और तुझे? सेम यार, मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल सही। हाय हीरो। कौन है? हाय हीरोइन। हाय। ऐसी हालत करूंगी शादी नहीं कर पाएगा। दिव्या पवन कल्याण की फैन हो? समझ में आ गया ना? तो फिर मुंह बंद करके साइड में हो जाओ। तेरी समझ गया ना? मुंह बंद करके कल्टी हो जा। आई विल मैनेज। हाय, दिस इज समांता। कुछ भी हो सीधी सीधी बात करती हूँ। ये बहुत सीधी लड़की है रे। हाय, दिस इज महेश बाबू। दिल में घुस गई हो, अब और कहाँ घुसोगी? मस्त डायलॉग मारा ना। ये डायलॉग भी उसका ही है, तेरा नहीं। अंदर आपका परफॉर्मेंस देखकर फिदा हो गई हूँ। तुमसे डांस सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दो ना। अरे मैं कोई डांसर थोड़ी ना हूँ, वो तो मैं कभी कभार कर लेता हूँ। रुक रुक रुक, देखिए मेरा दोस्त हमेशा झूठ बोलता है। आपको किस चीज की जरूरत है? फोन नंबर ही चाहिए ना? 9848022333। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। टच में रहूंगी। बाय बाय। रूम में आएगा तो मार डालूंगा तुझे। ए हटवे, कौन है रे तू? मेरी लवर से इश्क लड़ा रहा है? बेचारा आशिक है, दिल का मारा है। अबे खजूर की औलाद, लड़ाने के लिए कोई जंग का मैदान है क्या? अबे लड़की है वो। इससे क्या बात कर रहे हो भाई? आप हाँ बोलो, टपका देता हूँ इधर इस साले को। हेलो, कहना समझते है क्या? क्या कहा? मैं चुप बैठूंगा क्या? ऐसा क्या? मांग नहीं तो काट डालूंगा तुझे। हाथ लगा दूंगा तेरे। डैडी को फिर से हार्ट अटैक आ गया है। बच के आज तू। अबे चाबे। देख लूंगा मैं तुझे। चलो रे। आ गया से। आ गए ये। ए भगवान। ऑटो। अरे शांडू, अरे हम कहाँ गए यार? क्या यार ये कौन सी जगह आ गए हम? कुछ ए भाई जरा जल्दी उठ, रात को हमने ज्यादा पी ली थी इसलिए पैलेस की जगह किसी कबाड़खाने में आ गए। अरे ये पैलेस ही है, सो जाना। अरे
इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग किसी भूत वाले फिल्म के सेट में घुस आए हैं। ये कौन सा पैलेस है यार? सामने देवी जी की फोटो दिख रही है। हाँ दिख रही है। और बगल में डिजाइनर आईना दिख रहा है। हाँ देखा। मस्त अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। आ रही है। ये अपना पैलेस ही है, चल चुपचाप सो जा। ये तो कबाड़ खाने से भी घटिया है, इसको पैलेस कहते हो तुम? तू हमसे मजाक कर रहा है क्या? उठना। अबे धीरे से बेडशीट फट जाएगी यार। यहाँ बेडशीट की दर है रे? ये है ना। ओ हमसे मजाक तो नहीं कर रहा है ना? तुम जोकरों से मैं क्यों मजाक करूंगा भाई। रात को यहाँ बियर की बोतल रखी थी, कहाँ गई? रात को मैंने पानी समझ के पी लिया था, यही कहीं रखा होगा। कहाँ है? ये क्या है? मेरा है। ए, अरे रात को मुझे पानी नहीं मिला ना, तो इसी से धो लिया। साला सुधरेगा नहीं। और इसने पानी समझ कर पी लिया। वो क्या है कि मैं अकेला हूँ ना, तो तीन ब्लेड की क्या जरूरत है सोचकर वैसे हवा मस्त देता है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। आज हमारे क्लास में दो न्यू कमर्स आए। कम ऑन गाइस, गेट अप एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड्डू सर। वेरी गुड्डू सर। क्यों समझ में नहीं आया? आ रहा है सर, पर बोलना नहीं आता। आप अपने बारे में इंग्लिश में बताइए। व्हाट सर? अरे इंग्लिश में बात करना है। आई पुलकित कम विशाल पत्नम। व्हाट कम अगेन? ओ आपको इंग्लिश नहीं आती? वेट आई क्लियरिफाई। अरे बाप रे, मुझे नहीं करनी ये नौकरी। अंडरस्टैंड सीट पादम। चलो तुम बताओ। गुड्डू सर। अच्छा नो इंग्लिश, चलो हिंदी में बोलो। मेरा नाम संदो, पापा का नाम बंदो, मेरा गांव। रुक जाओ, तुम दोनों एक ही गांव के हो क्या? बैठ जाओ। लगता है डब कर चला गया। एक्सक्यूज मी मैडम, योर पेस्ट्रीज। सॉरी। सॉरी मैडम। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? क्या वे फोन पे बात करने आए हो या काम करने आए हो? सॉरी सर। यू स्टूपिड स्काउंडरल रास्कल। इंग्लिश में मुझे से ज्यादा गालियां नहीं आती हैं। अब शट अप एंड गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। हीरो बनता है। क्या चाहिए बेटी? तू? ओके इसमें मेरी बेइज्जती है क्या? आखिर किसका नंबर है ये? पता चला ना तो नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हाय हीरो। अरे बाप रे, कहीं सीन तो कॉल नहीं किया। हाय मैम। आइए मैडम बैठिए प्लीज। क्या बात है, आजकल बहुत बिजी लग रहे हो। क्या ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, वैसे कैसे आना हुआ मैम? डांस सीखने के लिए आई हूँ। डांस मुझसे? ओवर एक्टिंग करना छोड़ के बैठ जाओ। मैडम मैनेजर साहब देख लेंगे तो मेरी जॉब चली जाएगी मैडम। अच्छा हाँ। मैनेजर। यस कमिंग। मैडम मीरा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? डैडी तो अच्छे है ना? क्या चाहिए बोलिए मैडम। ए बुद्धू बनकर क्यों खड़े हो? मैडम को क्या चाहिए पूछो। ठीक है क्या? ठीक है सर। सर मैडम बताइए क्या चाहिए आपको? कल के फंक्शन की तैयारी पूरी हो गई है क्या? सब कुछ रेडी है मैडम। वेरी गुड। मुझे इनसे कुछ बात करनी है।
बैठ जाइए ना सर। आपको कह रहा हूँ। मुझे? जी आपको ही। हाँ बैठ जाइए ना सर। मुझे इनसे एक घंटा बात करनी है। घंटे की क्या बात है मैडम, पूरा दिन बात कीजिए। टेक योर ओन टाइम। यहाँ नहीं, थोड़ी देर बाहर ले जा सकती हूँ क्या? बिल्कुल आप ले जा सकती हैं। वो क्या है, जाने के लिए मैं भी रेडी हूँ। सर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लगता है कुछ कह दिया। हाँ तो मैं चलूँ क्या सर? चलता हूँ सर। बाय सर। बाय सर। हम कहाँ जा रहे हैं मैडम, प्लीज बोलिए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? शट अप। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो आप ओवर ही किए जा रही हैं। ड्यूटी पर डिस्टर्ब करके आप मुझे यहाँ लेकर आ गई, आखिर आप खुद को समझती क्या हैं? जस्ट शट अप। जब जी चाहे मिलने आती है, मुझे साथ ले जाती है, मुझे परेशान करती है, आपने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। रोकिए गाड़ी, रोकिए, आज के बाद मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। पब्लिक में ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? आप में अकल नाम की चीज है भी या नहीं? खुद को आप समझती क्या? अरे सब देख रहे हैं हमें। आपका स्क्रू ढीला हो गया है क्या? हम लोग एक दूसरे को 10 मिनट से ज्यादा जानते भी नहीं है, फिर भी मैंने पब्लिक में तुम्हें किस कर लिया। ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो ना? तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। पत्नी? आंखों को भाने वाले मर्द बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो दिल को भा जाए पति उसी में नजर आता है। पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था मुझे। यू आर माई हीरो। कभी कभी ब्रश भी कर लिया करो, नहीं तो शादी के बाद मैं तुम्हें वॉश कर दूंगी। क्यूबे, कॉलेज लाइफ का फर्स्ट डे कैसा लगा? अपने गांव का नाम रोशन किया यार। इसे क्या हुआ है, सांड की तरह मुंह लटका कर बैठा है? जेब के सारे पैसे खत्म हो गए, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे? यार इसके दिमाग में गोबर भरा है क्या? अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? क्या बोल रहा है यार ये? कैटरिंग यार, 3 टाइम का खाना मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। लेकिन कैटरिंग कैसे किया जाता है हमें पता नहीं है यार। उसके लिए मैं हूँ ना। अरे वाह, अरे भूतों के घर में भगवान होते हैं, इस बात को इसने साबित कर दिया यार। थैंक्स यार, थैंक्स यार। अब बूछ लगा के सो जा। ठीक है यार। तारीफ कर रहा है कि गाली दे रहा है? पता नहीं यार। ये क्या है भाई? ए खोलना यार। ए ये तो चमक रहा है यार। ओए, ये तो मुझे बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ ये लाखों रुपए से कम के नहीं होंगे। अबे ये हीरे है, बैंगन नहीं है। इसकी वैल्यू करोड़ों की है। करोड़ों के? इधर ला। अरे यार उस भगवान ने हमें इतने दिनों बाद मौका दिया, अब तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। चलो चलो चलते हैं। हाँ अबे रुक, चलो। ये हीरे हमारे नहीं है। तो किसके हैं? इस एड्रेस वाले के हैं। हीरे कहाँ छुपा रखे हैं, सच सच बता। मिस हो गए सर। मैं किसी को 1 रुपए भीख तक नहीं देता, और तू है कि तुझसे 1 करोड़ के हीरे मिस हो गए। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? बिहारी, विजय बिहारी, विजय बिहारी, विजय बिहारी। इनका नाम विजय बिहारी है। छोटी सी सुई से लेकर हवा में उड़ने वाली हवाई जहाज तक इनके बिजनेस में शामिल है। इसके बारे में एक बात बता दूं, देश के राजनीति को, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को अपनी उंगलियों से बदलने की हिम्मत रखने वाला इंडिया का टॉप मोस्ट विलन है। कोई विजय बिहारी करके है, कॉल करके देखता हूँ। कट कर रहा है, फिर से करता हूँ। अरे
कॉल करके वापस देना जरूरी है क्या? हाँ, मुझे छोड़ दीजिए सर। फिर से कट कर दिया। अरे यार, इतनी बार फोन कट कर रहा है, उसको देना जरूरी है क्या? चल ना, बेचते हैं। अपना नहीं तो अपने पास रख कर क्या फायदा, देना बेहतर होगा। ए, कौन है रे तू? हमें बहुत टेंशन हो रही है। ये कोई अपनी ही बिरादरी का लगता है। अबे चुपचाप अपने बॉस को फोन दे। सर, ये आपसे बात करना चाहता है, लीजिए। कौन है रे तू? तेरे करोड़ों के हीरे मेरे पास हैं। ओए ओए ओए, तुझे क्या चाहिए बोल दूंगा। कितना चाहिए वो भी बता दे दूंगा। मेरे हीरे मुझे दे दे, और अगर तूने नहीं दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ओहो कूल बॉस, अभी तो बहुत देर हो चुकी है, आराम से दूध पीकर सो जा, सुबह होते ही मैं खुद आकर दे दूंगा। ऐसे घूर क्या रहे हो? यही रखूंगा समझाए क्या चोरी करने के लिए? चुपचाप सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ए संडू, गुड नाइट। ए ए, चलो। ए, तू ही समझाना यार। एक बार सोच लेना यार। ए भाई, अपनी जिंदगी बदल जाएगी यार। कहाँ है मेरे हीरे? कहाँ है? दे दे, दे दे मुझे, दे दे मेरे हीरे। हाँ, दे 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 दे। हाँ, सर। ये ले, उठा ले। और चाहिए? देता हूँ। ये ले, लेना। पूरा बैग ले जा। क्या हुआ? और चाहिए क्या? बताओ ना, तुझे और चाहिए क्या? तुझे क्या चाहिए बता? तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूँ, मांगना। आपकी जान चाहिए। देखा ना सर, अब तक तड़ातड़ चलने वाली आपकी ये जुबान एक मिनट में गूंगी हो गई। किस लिए सर? वैसे आप 1000-2000 फेंकेंगे तो भाग कर जाकर उसे उठाने के लिए मैं आपका नौकर नहीं हूँ। लाखों लेकर गुलामी करने वाला रिश्वतखोर भी नहीं हूँ, और करोड़ों लेकर आपको सलाम ठोक कर आपके आगे पीछे घूमने के लिए मैं कोई लालची भी नहीं हूँ सर। स्वतंत्र भारत देश में जन्म लेकर ईमानदारी से जीने वाला भारत माता का सच्चा बेटा हूँ सर। मदद मांगने वालों को कमजोर समझना और मदद करने वालों को पैसों से खरीदना, हमारा भारत देश ये नहीं चाहता सर। गांधी जी के अपनाए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए कर्म शिक्षण की नीति नियमों का पालन करने वाले, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के कितने लोगों ने योगदान दिया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की राहों पर चलना चाहूंगा सर। इन पैसों की जरूरत मुझ गरीब से ज्यादा आप जैसे धनवानों को होती है। ए भारत माता के बेटे, हाथ में आए हीरो को ठुकरा दिया, इतने सारे पैसों को भी नकार दिया, तुझे इतना घमंड किस पे है? कैसे जिएगा इस सोसाइटी में तू? जी सकता हूँ, मुझे विश्वास है, जीने की एक आस है, गुलाम बनकर नहीं हिंदुस्तानी बनकर, इतना काफी है सर मेरे लिए। किसी ना किसी तरह जिंदगी कट जाएगी सर। सच्चाई अभी भी जिंदा है इस देश में, वो देखो, वो है असली हीरो।
ए भाई मेरी शर्ट अच्छी है क्या? फर्स्ट टाइम कैटरिंग में आए हो इसलिए अपना दिमाग मत चलाना, समझे? फॉलो मी। अरे अरे क्या हुआ यार, एक बार लगवाना। हाँ, लगवा ले भाई, हमारा स्वागत इतनी शान से होगा मैंने सोचा नहीं था। बेवकूफ कहीं का, वो लोग हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं। तू भी थोड़ा लगवा ले, बदबू कम हो जाएगी। मैंने उनको डालने के लिए कहा, तूने क्यों डाल दिया? ये कहाँ गए? अपने गांव का नाम रोशन किया भाई। थू, नहीं सुधरोगे, तेरी वजह से दो लड़कियां बेहोश हो गई। तुम लोगों को यहाँ लेकर आया ना, ये मेरी गलती है। अब क्या कर सकते हैं? ए भाई अब चलो। मैं एक्चुअली बाहर का खाना नहीं खाता जी, इसलिए कि वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते। हमें इंसेंटिव केयर को भेज देंगे तो आज से मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ बिल्कुल सर, फिश फ्रेश है। मजाक था। ये क्या है, बदबू आ रही है? फिश ने पादा है सर। फिश ने पादा है? पादा है? मजाक था, विशाखा पादनम वालों के साथ मजाक करता है, पाद कर मार डालेंगे। सर मैं अभी आया। हाँ क्यों जान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ लोग कहते हैं कि धरती पर आसमान की परियां घूमती हैं। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे यकीन हो गया है। जन्म जन्म के साथी हमको साथ है रहना। दिल
है दिल मेरा कहता सुन जरा धड़कनों की सदा साजना तू मेरा साजना न जिया जाएगा तुझसे होगी जुदा सनम राह में दिल को बिछा दूं ये जो तेरा हाथों में हाथ है तेरा साथ है दुनिया भुला दूं अब मेरी हर सांस में बस तेरा नाम है आंखों में मेरे तेरे ख्वाब है जन्म जन्म के साथी हम हैं प्यार अमर अपना हे जन्म जन्म के साथी हमको साथ है रहना जस्ट अ मिनट अंकल खाना खाया नहीं बेटे क्या बात है यार जिंदा रहे यार अपने घर ले जा रहे हैं कोई बात नहीं अंकल ले लीजिए ले लीजिए अंकल आपके लिए ही है भगवान आपका खा लीजिए करे खुश रहो बेटा क्या बात है यार चलते हैं अंकल बाय तुम महान है यार सुपर प्लीज छोड़ दो मुझे छोड़ो अरे उधर देख यार छोड़ो प्लीज नित्यानंद स्वामी का दूसरा रूप हूँ मुझे लड़कियों की पूजा करने में बहुत मजा आता है जानो अगर तुम सब नित्यानंद स्वामी के शिष्य हो ना तो हम बाय बर्थ बजरंग बली के भक्त है वे मजदूरी करने वाले मजदूरों वैसे तुम्हें क्या पता जवान लड़कियों को लूटने में कितनी खुशी मिलती है गलती से भी अगर तूने मुझे उंगली की तो कल सुबह तक इसकी जगह तेरी माँ या बहन भी हो सकती है औरतों की इज्जत करने के बजाय ऐसा घटिया काम क्यों कर रहा है बे तू चल भाग यहाँ से ए संडू बोलना है ड्रॉप करके आ तू किससे पंगा ले रहा है जानता है ना बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां बियर की बोतलें बिना जिम्मेदारी की जिंदगी ये सब देखकर लग रहा है कि तुम सभी घमंडी बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और एक नंबर के बेवकूफ हो कोई अकेले में मेरे इंसल्ट करे तो मैं चुप नहीं रहता लेकिन तूने उसके सामने मेरी इंसल्ट की है तो फिर मैं कैसे चुप रह सकता हूं तुम लोग इसको सिर्फ पीना जानते हो लेकिन मैं इससे मारना भी जानता हूं Yeah.
ने सीएम के बेटे बिट्टू को मारकर घायल किया। कौन कौन मारा हमारा बेटा को? कौनो कैटरिंग में काम करने वाला भैया, चाहे वो कोई भी हो, एक घंटा में उसको यहाँ लाकर यह बेड पर सुलाना होगा। हमारा बेटा के सामने तड़पा तड़पा के मारेंगे। ले आ उसको। अरे हमारा बचवा, तुमको कौन मारा है? हम उसका जान दे लेंगे। ढूंढो उसे। तू उधर जा। ए, तू यहीं पर है। हमें पता है कि तू हमारे आने की खबर सुनकर छुप गया है, पर तू बच नहीं पाएगा। तुझे ढूंढ निकालेंगे, चलो। अरे शेंडू, ये क्या किया तूने? बहुत बदबू है, चलो। वो कहाँ है बता दे हमको। कौन भाई? मैं कहता हूँ बोल। कौन भाई वो? अपने भाई को मारने वाला परितोष। परितोष को नहीं जानता भाई, लेकिन पुलकित को जानता हूँ। कहाँ है वो? ए भाई बोल, ए काम से तुम दोनों। आफ्टर ऑल कैटरिंग करके जीने वाले भिखारियों, इतनी हिम्मत की हमरे बेटे को मारा। हम कैटरिंग वाले भले हैं सर, लेकिन बिना कैरेक्टर वाले लोग नहीं हैं। मेहनत के भरोसे जीने वाले कुत्ते लोग इस कसाई से पंगा लेके भाग कैसे सकते हो? उहिया आके तुम लोगों को बचा लेगा, यही समझ रहे हो ना? वो नहीं आएगा। हमारा डर से जान बचा के कब का भाग गया होगा। वो डरता नहीं है, डराता है। तुम्हारे बेटे को मारा तभी उसकी कैपेसिटी पता चलनी चाहिए थी। ए भैरागी जी। भैया हमारा आंख बंद करके खोलने से पहले इनका लाश हमारा सामने होना चाहिए। भैया तेरे डराने से डर जाएंगे ऐसा सोचा है क्या? पुलकित फ्रेंड ऑफ पारितोष, बॉर्न आउट ऑफ डर, शेर की तरह घूमते हैं। तेरे पीछे हजारों चमचे होंगे, लेकिन हमारा शेर अकेला काफी है। तेरे मशाल को उफ फूंक मारकर बुझा देगा। बिजली की तरह कड़कते हुए, ज्वालामुखी की तरह भड़कते हुए वो अभी आ जाएगा। तेरा डायलॉग दमदार था, लेकिन वो सामने आएगा क्या? मुझे क्या पता यार, जोश में होश खो बैठा। इतना लेट क्यों आया तू? टाइम पर आने के लिए कोई हार्ली डेविडसन की बाइक है क्या? हीरो साइकिल है। आंखों में गुस्सा लाना है, सबकी बैंड बजाना है, उसके बाद अर्थी का इंतजाम करके उस पे सबको सुलाना है। ये बात अगर मेरे दिमाग में आ गई ना, तो मारने से लाशें शमशान में नहीं सीधा आसमान में पहुंच जाएगी, डायरेक्ट हवा में गुम होकर गुल हो जाएगी। कहाँ गया वो? मैंने कहा ना, हवा में गुल हो गई वो। हाय यार। चलो रे चल। बिना बुलाए शादी में आके दुल्हन को ले जाओगे तो हम चुपचाप रहेंगे? तुमको पता नहीं है कि हम कमजोर आदमी नहीं हैं, ताकतवर हैं। वोटों के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ने वाले, नोटों के लिए उनके फोटो पर माला चढ़ाने वालों की तरह, मैं तुम्हारी तरह कोई कचरे का कूड़ा नहीं हूँ। दमदार मर्द हूँ मैं, पनौती लगाने का दूसरा रूप हूँ मैं। रास्ते पर जाने वाले इस पनौती को हाथ जोड़कर कहता हूँ, घर मत बुलाइएगा। बुलाएंगे, रास्ते पर जाने वाले पनौती को ही बुलाएंगे, और छोड़ूंगा हवा में उड़ने वाले परिंदे को भी नीचे लाऊंगा
आखिर तू कर क्या लेगा रे? आपके जुल्मों को चुपचाप सहने के लिए मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मंदिर का घंटा हूँ मैं, फोड़ के रख दूंगा। तेरे ऐसे चिल्लाने से भाग कर आकर पैर पकड़ने के लिए मैं कोई तेरा नौकर नहीं हूँ, ना ही तेरी सेवा करने के लिए या तेरे साथ सोने के लिए तेरी औरत हूँ मैं। तुम्हारा अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया रे? घर को ताला लगाने के लिए कुंडी और सोसाइटी में सर उठाकर जीने के लिए हिम्मत बाय बर्थ आनी चाहिए, मार्केट में नहीं मिलती कहीं। इतने साल के अपना राजनीतिक जीवन में हम अनगिनत बलात्कार किए हैं, बहुत से लोगों का मर्डर भी किया हूँ, करोड़ों रुपए अंदर भी किया हूँ। इस पूरे राज्य में आज तक कोई भी हमारे धोती का धागा भी निकाल नहीं पाया। तू तो अभी दूध पीता बच्चा है, है? हमारे सामने तुम्हारा कोई औकात है? हाँ। मतलब अब तक बुरे कामों के अलावा तूने एक भी अच्छा काम नहीं किया। वैसे एक सीएम होकर तूने इतने सारे बुरे काम किए ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? पर एक पीएम होकर मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हमारा पावर जानने के बाद भी तू इतना ऊंचा आवाज में बात कर रहा है? तेरा चरित्र जानकर चड्डी में सुसु करने के लिए, जान लूंगा कहने से डरकर भागने के लिए मैं तेरे भजन पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, तेरी जान लेने के लिए आया हुआ यमराज हूँ मैं। तेरे लिए नरक के बाहर वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है, चलो निकलो सर। वैसे मैंने पीएम का मतलब बताया नहीं ना, गलती से भी प्रधानमंत्री मत समझ लेना, पक्का पब्लिक मैन हूँ मैं। हैप्पी जर्नी अंकल। अरे भैया, भैया क्या हुआ आपको? भैया उठ जाइए, हमारा क्या होगा भैया? ये चले गए क्या? बापरे, और कितने दिनों तक आपका नाम लेके जीऊंगा पापा? मैं अभी बड़ा हो चुका हूं, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं बाबा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। I'm sorry पापा, अब आप हमेशा के लिए चैन से सो जाइए। पहले खबर आई है कि हमारे सीएम का हार्ट अटैक से देहांत हो चुका है, अब उनके बाद कौन सीएम बनेगा यही बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पीछे पूरे 50 MLA हैं, ये सीएम का पद मुझे मिलना चाहिए। मेरे साथ 100 MLA का समर्थन है, ये सीएम की कुर्सी मेरी होगी। मेरे पीछे हाई कमांड है, वो सीट मेरी है। मेरे पीछे राज्य की जनता है, मीत सीएम बनना। बैठ जाओ यार, आप सबके पीछे मैं हूँ। इस सीएम पद को पाने के लिए मैंने अपने बाप को मार दिया। कुर्सी के लिए धंधा करने वाले तुम सब कुत्ते हो। ध्यान से सुनो, तुम में से जो कोई भी सीएम बनने की सोच भी रखता है वो अपनी सोच को खत्म कर दे, नहीं तो तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएंगी, तुम्हारी बेटियां प्रेग्नेंट हो जाएंगी और बेटे किडनैप हो जाएंगे। आज इसी वक्त से यहाँ का सीएम बिट्टू बिट्टू। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? सुनो भाई, हाँ? तो सांप के साथ ये सपोला भी चला जाता तो सारी गंदगी ही साफ हो जाती है। गरो भाई। ए, अबे रुकना, बेचैनी हो रही है। अबे गेंडे जल्दी बाहर निकल, संभला नहीं जा रहा, यही हो जाएगी। आ रहा हूं यार। उसको आने को कहा तो तू आ गया। इसको देखो, कुछ लोग खजाने की तलाश में गुफा में जाते हैं तो कुछ लोग भगवान की तलाश में मंदिर जाते हैं, और ये साला येड़ा मौत की तलाश में मेरे पास आता है। बोल बेटा बिट्टू, क्या बात है? आज तक इस बिट्टू से लड़ने वाला इस पूरे स्टेट में कोई नहीं था, तू कहां से आ गया? जादू से। मुझसे अगर तुझे लड़ना है तो मेरे स्टेटस के हिसाब से लड़। अबे स्टेटस के हिसाब से क्यों?
हिम्मत हो तो काफी है और वो मेरे पास बहुत है। वैसे अकेला क्यों आया है? मुझे मारने के लिए? अपने आदमियों से या पुलिस वालों से मरवाना बहुत ही छोटा काम है। ऐसा करने से मेरे अंदर की आग नहीं मिटेगी। मैं तुझे अपने हाथों से मार के अपना बदला पूरा करूंगा। फिर रुका क्यों है? आ मारना मुझे। कुछ ही देर बाद उनके बेटे बिट्टू को उसके हिंसावाद को न सहन करते हुए जनता ने उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस केस में गिरफ्तार किए गए पारितोष का इस केस के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा जनता का कहना है। आपने मुझे क्यों बचाया सर? मैंने उस दिन आपके हीरे लौटाए इसलिए बचाया क्या? वैसे तो मैं हीरे बहुत कमा सकता हूँ, लेकिन तेरे जैसे हीरे को कमाना बहुत मुश्किल है। सरकार हमेशा जनता को दुख देती है लेकिन कभी उसका पालन नहीं करती। ये हम हमेशा से झेलते आए हैं, लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम्हारे जैसा सच्चा हिम्मती जिगर वाला इंसान ही राजनीतिक नायक होता है जिसका इंतजार ये पूरा राष्ट्र कर रहा है। नहीं सर, ये राजनीति मेरा धर्म नहीं है, गुंडागर्दी मेरा कर्म नहीं है। गुस्से में जाने अनजाने में मैंने उसे मार दिया। मैं एक आम इंसान की जिंदगी ही जीना चाहूंगा, पॉलिटिशियन की जिंदगी नहीं सर। चलता हूं सर। देखो, आम आदमी की तरह सवाल कर सकते हो लेकिन एक पॉलिटिशियन बनकर जनता की सेवा नहीं कर सकते। अब तक हम जिनका भी नाम शान से लेते आए, महात्मा गांधी और नेहरू, करोड़ों की जनता की सेवा इस पद पर बैठकर किए हैं। इतना ही नहीं, इतने बड़े बिजनेसमैन टाटा राजनीतिक बल से ही हमारे इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी इस ईमानदारी को देख के मैं अपनी कंपनी में तुम्हें नौकरी देकर अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जरूरत सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हारी जरूरत मेरे साथ साथ इस पूरे राष्ट्र को है। प्लीज एक बार सोच लो। मुझे सोचने का टाइम दीजिए। क्या
क्या कह रहा है यार तू? अब कहने के लिए और बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। मैं राजनीति में जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ आना है तो आ सकते हो, नहीं तो गांव वापस चले जाओ। अरे गांव से सब कुछ छोड़कर वापस जाने के लिए आए हैं क्या? हम लोग तेरे साथ हैं यार। क्या हुआ, तुम बात नहीं कर रही हो? बात करने जैसा क्या है, तुम कुछ भी करोगे सब कुछ अच्छा ही करोगे, और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है माय डियर महेश। सॉरी सॉरी परितोष जी। ये तुम्हें तो मैं, ये रुको, हाथी कहाँ हो? अरे रुको, चलो निकलो। हाय डैड। इधर आओ बेटी। आओ ना, बैठ जाओ। व्हाट डैड? मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है बेटी। ऐसे क्यों देख रही हो बेटी? तुम किसी से प्यार करती हो क्या? डैडी वो, कोई बात नहीं, बताओ बेटी कौन है वो जो तेरे दिल को चुरा कर बैठा हुआ है? उसका नाम परितोष है। उसका नाम दोबारा लिया तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी दुश्मन से कर सकता हूँ, मेरी मौत को मेरे बगल में रखकर घूमने को कह रही हो? तेरी शादी रास्ते के भिखारी से कर दूंगा, लेकिन उस परितोष के साथ कभी नहीं करूंगा। सबकी नजर में वो मसीहा है, लेकिन आप उससे डरते हो, ऐसा क्यों डैडी? सवाल मत कर, प्यार करने के लिए तुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिला था क्या? इस धरती पे चाहे कितने भी लड़के क्यों ना हो, लेकिन दिल को तो कोई एक ही भाता है, मुझे वही पसंद है। मैं जा रही हूँ उसके पास। आवर्स टीवी शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के सीएम की मौत हो चुकी है, और उसकी वजह से सारी पार्टियों ने तय किया है कि दोबारा से चुनाव होंगे, और इस चुनाव के होने से दोनों ही पार्टियां प्रचार में जुटने वाली हैं। सर कुछ लोगों का कहना है कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं, इसमें सच क्या है, हमें बताएंगे सर? पहले जो सुना वो सच है। सर्वधर्म समभाव और जातिवाद को हटा के आप अच्छा प्रशासन कर पाएंगे? नहीं, प्यार करूंगा। होम मिनिस्टर की बेटी के साथ आपका क्या रिलेशन है बताइए सर? पवित्र प्यार का रिश्ता है उससे। आपके जीवन के सिद्धांत क्या है? ईमानदारी के रास्ते पर चलो। आजकल के सारे नेता आप ही की तरह से ईमानदारी की बात करते हैं, बाद में जनता के बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं, तो फिर आप पर भरोसा कैसे करें सर? लेट्स वेट एंड सी। ओके बाय। सर परितोष जी ने राजनीति में आने का फैसला कर लिया है, हम आगे की अपडेट्स देते रहेंगे आपकी टूटूरा टीवी। इस बार होने वाले चुनाव में कैटरिंग करने वाला एक साधारण लड़का चुनाव लड़ रहा है, इस वजह से पार्टियों में हलचल मच गई है। और कितने साल वेट करूं भाई, वेट करते करते मेरे सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन सीएम की कुर्सी अभी तक नहीं मिली। आपके तो सफेद हुए, मेरे ऊपर और नीचे दोनों की निकल गए। ऊपर का निकल गया वो तो ठीक है, लेकिन नीचे का क्या निकला? लूंगी यार लूंगी। चुप रहो ना यार, हाल तो बकवास करते हो। भैया बिना मांगे मुझे मोतीचूर के लड्डू खिला दिए थे, मेरे कहने से पहले ही मुझे पार्टी में सीट दे दिया था, कुछ करने से पहले ही मुझे एमएलए बना दिया, इतना काफी है। खुशी मनाने से पहले मिनिस्ट्री का पोस्ट दे दिया था, खेल खेलने के लिए मासूम जनता को दे दिया था, और इतना ही नहीं मेरे मरने के बाद ये सीएम की सीट तेरी कहकर वादा किया था, उस वादे के लिए इतनी जल्दी चले गए, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये सब कुछ बकवास है। नौटंकी बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ। अगर तुम सब यहाँ कुर्सी के चक्कर में फालतू बहस करते रहोगे तो वहाँ वो परितोष मेरी बेटी काफी नहीं है क्या, जो सबसे प्यार कर रहा है? अगर हम इस इलेक्शन में हार जाएंगे तो गली में गोटी खेलने वाले बच्चों से लेकर दिल्ली में राजनेता सब हमको नालायक समझेंगे। अरे बकवास बंद करो, चुप रहो। अरे उसके आगे हम कैसे हारेंगे, वो तो दूध पीता बच्चा, उसे क्या पता है। जरूरत पड़ी तो हम मैदान में उतरेंगे, अपनी भजन पार्टी का नाम रोशन करेंगे। अरे बाप रे, तुम मंत्री हो भाई। अरे इस्तीफा दे दूंगा भैया, सच में। एक बार फिर सोच लीजिए, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर भैरव जी राज करेंगे, नीचे ये लाला राज करेगा। भैया
क्यों भाई, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? मुझे भी ऐसे ही लगता है। एक साधारण इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हराने के लिए बजन पार्टी के सभी एमएलए तैयारी कर रहे हैं। रामपुर के श्याम लाला भी चुनाव में उतर चुके हैं। उन्होंने इस चुनाव की खातिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे हड़कंप मच गई है। देश में राजनीतिक हड़कंप मची है। अब तक राजनीति में हार को नहीं देखने वाला श्याम लाला इस चुनाव का सबसे मजबूत प्रतियोगी बन गया है। स्वतंत्र उम्मीदवार पारितोषी, पल भर में बदलने वाली राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जीत किसकी होगी, चलिए देखते हैं। सारी पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार में उतर चुकी हैं। परितोष जी हमारे एमएलए होंगे। परितोष जी जिंदाबाद। परितोष जी जिंदाबाद। परितोष को हम जीता के रहेंगे। परितोष अगर जीत गया तो समझो हमारा बेटा जीत गया। सुबह से ही मतदान में बहुत तेजी देखी जा रही है। हर पार्टी ये दावा कर रही है कि उसे बहुत अच्छे वोट मिल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। रामपुर के श्याम लाला और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के बीच तेजी से चल रहा है उपचुनाव। भैया छे, अब इसको नमस्ते क्यों करूं? नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। वैसे इलेक्शन तो हो गया ना, फिर हमारे जीतने की कोई सूचना है क्या? What are you talking? अरे बाप रे बाप। नतीजा कुछ भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्र में खून की नदियाँ बह जाएंगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। इस बार लाला ने पंगा लिया तो पापड़ बना दूंगा। तुम जाकर प्रमाण वचन की तैयारियाँ करो। मैं दिल्ली जाकर शील्ड कवर में सीएम की सीट लेकर के आता हूँ। हाँ ठीक है। गाँव बसा नहीं की भिखारी आ गए। आगे देखते हैं क्या होगा। इस बार तो सीएम की कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। इलेक्शन की वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है। रिजल्ट्स आने से पहले श्याम लाला अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भैरव जी, इतने सालों का मेरा सीएम बनने का सपना और मुझे सीएम बनाने का आपका सपना, दोनों पूरा होने वाले हैं। भैरव जी आप बिल्कुल फील मत करना, प्रशासन में आपसे आगे जाऊंगा। वहाँ राष्ट्र की जनता, यहाँ पार्टी के संस्थापक, सबके विश्वास को मैं जिंदा रखूंगा। भाईजान जी आप लोग एक मिनट की भी देरी मत कीजिए। मुहूर्त बीत जाने से पहले उस सीएम की सीट को शील्ड कवर में रख कर देंगे तो अपने राज्य में जाकर राज्य की जनता का दिल खोल कर सेवा करूंगा। अपनी पार्टी के झंडे को शान से पूरी दुनिया में लहराने की कोशिश करूंगा। इधर आओ, टीवी देखो। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पारितोष से चुनाव में बुरी तरह हार कर भजन पार्टी की नाक कटा दी श्याम लाला ने। एमएलए परितोष जी जिंदाबाद। एमएलए परितोष जी जिंदाबाद। एमएलए जिंदाबाद। भाई आपके एमएलए बनने की खुशी में हम सब बस्ती में जश्न मनाएंगे। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। भाई ये खुशी की बात नहीं है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप हमारे बड़े भाई हो। लाओ दो मुझे, ये आपके लिए भाई। ये किस लिए है भाई? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है भाई। भाई आप हमारे मसीहा हो, आपको आना ही होगा। आज रात मेरे बेटे के जन्मदिन के फंक्शन में आपको आना ही होगा भाई, आपको आना ही होगा। आपके बस्ती में आने से हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा भाई, आपको आना होगा। आप हमारे नेता हो, आपको आना होगा। परितोष भाई जिंदाबाद। एमएलए जिंदाबाद। एमएलए जिंदाबाद। एमएलए जिंदाबाद। एमएलए जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद। एमएलए 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 जिंदाबाद। भाई आज आप मेरे बेटे के जन्मदिन में आए हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। यहाँ हर दिल वाला धनवान है भाई, जिसके पास दिल नहीं वो गरीब है। तुम कभी भी गरीब नहीं हो सकते। एमएलए जिंदाबाद। एमएलए जिंदाबाद। अरे मेरे छोटे मुन्ने, एमएलए परितोष जी आए हैं आज। चलो जल्दी से फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो बेटा
चलिए भैया चलिए आइए। ए चलना खाली करो, रास्ता खाली करो। आइए आइए सर, आइए भाई। आ जाओ दीदी, उठो, एमएलए साहब आए हैं। एमएलए साहब को नमस्ते तो करो, कम से कम मुंह देख रही हैं। ए जल्दी से जाकर के सर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ, जल्दी जाना। हाँ आ रहा हूँ सर, आप एक मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। सर कोल्ड ड्रिंक लीजिए। हाँ थैंक यू। सर बोलिए सर, ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ से लाया? मेरा सर घूम रहा है, रेस्ट करना चाहता हूँ, रूम में लेकर चलो। ओके सर। आई सवाल कर लेगा जाना भाई। इतनी देर से क्यों आए जानू? इलेक्शन में जीतने के बाद मुझे लगता है तुम इस पवित्रा को भूल चुके हो। यूथ आइकॉन एमएलए पारितोष का एमएमएस लीक हो चुका है, अब जनता की नजरों में एक विलन बन चुके हैं। देश की जनता का सर झुकाने का काम करने वाले एमएलए पारितोष का कारनामा देखिए। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आपकी आंखों में हवस की भूख से ज्यादा आपके चेहरे पर तकलीफों का समंदर नजर आ रहा है। पराए मर्द के हाथों में बिकने से ज्यादा माँ की तरह ममता दिखाकर सबको खाना खिलाने की तड़प दिखाई दे रही है। कोई भी औरत उसकी सुंदरता किसी पराए मर्द को दिखाना चाहेगी, लेकिन अपना जिस्म कभी नहीं दिखाएगी। फिर ये सब क्या है, किस लिए है, किसके खातिर है? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया अपने बेटे को पालने के लिए, अपनी माँ बाप की देखभाल करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने मन को मार करके मैं ये काम करने आई हूँ। मुझे मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, ये पैसे ले लीजिए और कहीं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए, अपने बेटे को पढ़ाइए। लीजिए। नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के बाद चाहे जितनी भी तकलीफ हो, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जितनी भी तकलीफ हो, मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूंगी बेटा, यही मेरे लिए सीख होगी। एक एमएलए होकर आपकी तकलीफें दूर करना मेरा फर्ज है माँ। ये पैसे मैंने राजनीति में धोखेबाजी करके कमाए नहीं है, मेरी मेहनत के हैं। ले लीजिए माँ, ले लीजिए। भगवान है बेटा, भगवान है, तुम सदा सुखी रहो बेटा। भगवान, इस दुनिया में भगवान से बढ़कर दर्जा माँ को दिया जाता है, लेकिन वही माँ अगर बेघर हो जाती है तो ऐसे व्यभिचार करने लगती है। सच में अगर भगवान होता तो आपकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। आप घर जाइए, जिंदगी भर आपकी देखभाल मैं करूंगा। अच्छा इंसान बनकर नहीं,
बल्कि बेटा बनकर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इन सब के पीछे किसका हाथ है तुम जानते हो बेटा? वो है होम मिनिस्टर कटप्पा। UIMLA पारितोष पर होम मिनिस्टर कटप्पा का षड्यंत्र। कटप्पा उम्र में छोटे होने के बावजूद सबका दिल जीतने वाले युवा नेता पारितोष जी की चर्चा हो रही है। जान जा प्रेम रस बरसाए जा।
हेलो हेलो पारितोष, मैं भजन पार्टी का अध्यक्ष बजरंगी भाईजान बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। वहाँ राष्ट्र की जनता, इधर पार्टी के बड़े लोग इतने साल इंतजार कर रहे थे तुम्हारे जैसे लीडर के लिए। आप हमारी पार्टी में आएंगे तो आपको सीएम की सीट देने के लिए पार्टी के सभी बड़े नेता फैसला कर चुके हैं। सीएम? मुझे सीएम बना रहे हैं। ठीक है ना? कहाँ जा रहे हो? एक मिनट। नहीं सर, उम्र में छोटा हूँ मैं। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। सेवा करने के लिए स्वच्छ मन की जरूरत होती है, उम्र की जरूरत नहीं। स्वच्छ मन तुम्हारे पास है। एक बार फिर सोच लीजिए सर, उसके बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबने सोच समझकर ये फैसला लिया है ना, अब ना मत बोलो बेटा। कल तक के इंडिपेंडेंट एमएलए पारितोष ने अपनी सच्चाई ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया है। बड़े बड़े नेता भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी भजन पार्टी पारितोष को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। पारितोष सीएम पद के उम्मीदवार बन चुके हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई 25 साल की उम्र में सीएम बनकर एक रिकॉर्ड कायम करेगा। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। पारितोष जी के सीएम बनने के बाद पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, दिस इज आईजी लक्ष्मी नारायण। नाइस टू मीट यू मिस्टर लक्ष्मी नारायण। थैंक यू सर। बताइए कैसे आना हुआ? आपको सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं सीएम साहब। मुझे सिक्योरिटी? वो आप जनता को दीजिए ना। सॉरी सर, आप हमारे सीएम हैं, आपको सिक्योरिटी देना हमारा फर्ज है। मैं भी सीएम के फर्ज से बोल रहा हूँ, मेरी सिक्योरिटी मैं खुद हूँ। सर वो तो यस सर, गर्म खून वाले सिर्फ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं है सर, आपके पॉलिटिक्स में भी एंटर हो चुका है सर। प्रोडक्शन देने गए तो बिना टेंशन के हमें वापस भेज दिया सर, हम वापस जा रहे हैं सर। सीएम पारितोष ने पहली बार प्रेस मीटिंग बुलाई है, अब वो कौन सी योजना पर पहली बार अपना हस्ताक्षर करेंगे ये जानने के लिए देश की जनता उत्सुक है। प्रेस मीट होती है किसी पार्टी के ऑफिस में या पब्लिक पॉइंट पर। ये क्या है यार, बिना पानी के स्विमिंग पूल में रखी है? अच्छा हुआ पानी नहीं है वरना डूब के मर जाते। शुरू कीजिए सर। पहली बार सीएम बनकर पहला हस्ताक्षर किस पर करने वाले हैं? तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं ना, टाइम पर खा पी रहे हैं ना? सर आप राज्य में कौन सा नया उद्योग लेके आने वाले हैं सर? सभी बच्चों को दूध पिलाया ना? वैसे वो स्कूल जा रहे हैं ना? सर गरीब जनता की भलाई के लिए आप कौन सी योजना ला रहे हैं? वैसे आप सभी ने नाश्ता किया ना, चाय तो पी ना? सर हम सवाल क्या कर रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? कितने भी नेता है आपके सवाल भी सेम होते हैं और उनका जवाब भी सेम होता है, आप बदलेंगे नहीं? आप में थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? ए कूल, अब तू मामूली पारितोष नहीं है, सीएम पारितोष है। राइट, जनता से और पत्रकारों से मेरी बस एक ही विनती है, आज से इस राज्य में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फेसबुक में पोस्ट कीजिए, ट्विटर पर ट्वीट कीजिए और व्हाट्सएप पे वॉइस मेल भेजिए। ओके, एनी डाउट? सारी जनता पर बहुत उम्मीद लगा रखी है और आप फेसबुक व्हाट्सएप कहकर फालतू में बच्चों की तरह बात कर रहे हैं सर। सीएम के पास बहुत सारे जरूरी काम होते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? सिर्फ जरूरी काम करने वाला ही मुख्यमंत्री नहीं होता है, बल्कि हर एक काम को जरूरी समझने वाला ही असली मुख्यमंत्री होता है, समझे? अब आप क्या करने वाले हैं सर? पार्टी मीटिंग। आज से आरक्षण या जो कुछ भी हो, जात भाई या बिरादरी वालों को नहीं, गरीबी में जीने वाले उस हर एक मजबूर और जरूरतमंद इंसान को दिया जाएगा। है? दिमाग खराब मत करो, हमारी पार्टी की वजह से ही तुम सीएम बन पाए हो, चुपचाप हमारी बातों पे अमल करो, समझ गए ना? हमारी जात वालों के साथ नाइंसाफी हुई तो राज्य में खून खराबा हो जाएगा। 20 सालों से अपनी पार्टी अधिकार में है, इसका मतलब ये है कि अपने जात वालों ने हमें वोट दिया है, अगर मैं उन्हें भड़काऊंगा तो जितनी जल्दी तुम सीएम बने हो ना उतनी स्पीड से मैं सीएम बन जाऊंगा, याद रखना। अरे ये रिजर्वेशन बंद कर देगा तो हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा, इसको तो दूं लाभ। आपको किस जात ने कितने वोट दिए ये तो पता होता है,
लेकिन आपको वोट देने वाले वो लोग कितनी तकलीफ में है कम से कम किसी एक आदमी को भी पता है क्या? कौन सा तीर मारा है इतने सालों से तुम लोगों ने राजनीति में? तू है तुम लोगों की जिंदगी पर। नया है बहुत उड़ रहा है। हेलो। और कितनी देर तुम्हारा वेट करूं बताओ? ए सॉरी, कहा था ना अर्जेंट मीटिंग थी मेरी, बस इसी वजह से देर हो गई। तुम फोन रखो, मैं 2 मिनट में हाजिर हो जाता हूँ। ओके वहां जाकर देखिए। सीएम साहब आए हैं। अरे सीएम साहब आए हैं, चलो आइए सर, आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ बताइए सर, क्या चाहिए? चुटकी में, चुटकी में, चुटकी में ला दूंगा सर। मुझे प्राइवेसी चाहिए, मिलेगी क्या प्राइवेसी? ओके प्राइवेसी सर को प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। क्या देख रहे हो, जाओ। तुम्हारी शक्ल क्यों बिगड़ी हुई है? तो क्या करूं, तुम्हें हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स ही दिखता है। हमारी शादी फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है क्या? तुम्हें शादी को लेकर इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। हमारा देश किस ओर जा रहा है? भगवान से भी बढ़कर, माँ की गोद से भी बढ़कर बड़ी होती है एक स्कूल। ऐसे ही स्कूल में एक क्रूरता सामने आई है। 4 साल के बच्चे को हिंदी बोलने के कारण पेशाब पिलाया है एक टीचर ने। Well done, Miss Saraswati. You did a great job. इस देश की सभी टीचर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन गई हैं। अगर देश से हिंदी हट जाएगी तो सब इंग्लिश में बात करेंगे और ये देश इंग्लैंड की तरह बन जाएगा। हेलो सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हार्टली वेलकम टू अवर ई टेक्नोलॉजी स्कूल सर। प्लीज बी सीटेड सर। बैठो बेटा। प्लीज सर। इज्जत करना तो आता है सर। तो फिर ये घिनौना काम किस लिए? हिंदी में बात करने से ये पिलाते हैं, बच्चे होमवर्क ना करे तो उन पर जुल्म करते हो? हाँ ये क्या, आपने इन्हें मारा क्यों? आपको पता ही हमारे प्रिंसिपल है। ओ मदर इंडिया। मैडम मैडम, यहाँ पर ना हिंदी में बात करने से वो पिलाते हैं, तो आप पियो ना प्लीज मैडम। मैडम मैडम प्लीज, एक बार पी लो ना मैडम, प्लीज मैडम। स्टेट के सीएम होकर आप इतनी घटिया बातें करते हो? फिर से हिंदी बोला? ए बेटा, तेरी मैडम हिंदी में बात कर रही है, तू पिलाएगा या मैं ही पिला दूं? व्हाट इज दिस सीएम साहब? वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल स्कूल सोसाइटी बट नॉट योर लोकल गवर्नमेंट। इसे सिर्फ थप्पड़ मारकर छोड़ दूं या जान से मार दूं? ओ महादेव, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। खामोश क्यों हो? हाँ ओ विष्णु जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कुछ बोलेंगे या नहीं? ओ सरस्वती माता जी, कम से कम आप तो कुछ बोलिए। आजकल हिंदी में बात करने से बच्चों को ये पिलाते हैं, कल को जान से भी मार देंगे। हाँ कुछ सुनाई नहीं दिया? ओ ऐसा क्या, ठीक है ऐसा ही होगा। हाँ समझ गया, हाँ ठीक है। सॉरी सर, आपकी इंग्लिश सेवा इस जन्म में इस देश के लिए काफी है। अगले जन्म में आप इंग्लैंड में या अमेरिका में जन्म लेकर उस देश को इंग्लिश सेवा प्रदान कीजिए। विश यू हैप्पी जर्नी। सीएम सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। इस देश में कोई इंग्लिश में बात करे इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई सिर्फ इंग्लिश में बात करता है तो उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई सर। तूने जो किया है वो गुनाह है, ये जानते हुए भी अगर मैं तुझे माफ कर दूंगा तो ये जनता मुझे माफ नहीं करेगी। ओ सरस्वती माता, अब तो खुश हो ना? ठीक है। अपने आप को वो समझता क्या है? इतने सालों से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं और किसी अरे गहरे को लाकर सीएम क्यों बना दिया हमने? दे दिया तो दे दिया, लेकिन उसे सीएम बन के राज करने के लिए बोला तो हमें पे राज कर रहा है। उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। हाँ करूंगा,
मौका मिलेगा उसकी जान ले लूंगा। वादा करके बेवकूफ बना रहे हो हमें, तुम मारोगे भी नहीं, हम देखेंगे भी नहीं। वो मारेगा या नहीं मारेगा छोड़ दो, तुम्हारी बदबू सुन सुन कर मैं मर जाऊंगा। हाथ नीचे करो, इसके बदबू सूंघने से तो बेहतर है कि मैं घर पर ही बैठा रहा हूँ। ची ची ची, ये ना मुश्किल कर दिया इसने। ए मर्डर प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन मारने से पहले म्युनिसिपैलिटी वाले और मुख्यमंत्री के बीच का फर्क तो पता कर लिया होता। अबे बुढ़े, दो दिन का मेहमान होकर तू इतना उड़ सकता है, तो मैं तो जवान हूँ, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। ए मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने तेरे जैसे बहुत सारे को देखा है, मुझसे टकराएगा तो अपनी जान सचाएगा। क्यों ससुर जी, आप भी भैरव जी की तरह पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे आपने 20 सालों में राजनीतिक जीवन में क्या हासिल किया है बताऊं क्या? 28 व्यभिचार की बिल्डिंग है, 30 जगह पर शराब की फैक्ट्रियां हैं, माइनिंग माफिया के साथ गैर कानूनी काम करते हैं, जबरदस्ती करना, चोरी करना, लूट मार करना और करोड़ों के घोटाले, ये सब शामिल है। ये है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। अब बताओ महान लोगों, आपसे बढ़कर कोई चोर है क्या इस देश में? मेरी उम्र आप लोग से बहुत कम है, लेकिन मेरे अंदर दुनियादारी की समझ बहुत है। अब भी कह रहा हूं सुन लो, आप सबका इस पार्टी के साथ 10 साल से पवित्र बंधन, 20 साल से जुदा ना होने वाला संबंध, जिंदगी भर याद रखने वाला अनोखा बंधन हो सकता है। उसी तरह मेरा भी इस राजनीति से एक बंधन है, वही पसीने छुड़ाने वाला। पिछले कई सालों से राजनीति को लायक का कोई पति नहीं मिला, उसकी आरजू पूरी करने वाला राजा नहीं मिला, इसलिए उसे शादी करके आप सबको अपना गुलाम बना रखा है। करूंगा, सबकी ख्वाहिशों को एक एक करके पूरा करूंगा मैं। ए संडू, माय डियर मिनिस्टर्स, मैं बोलता कम हूं, उम्र में भी कम हूं और दिमाग से पैदल हूं, ये सोचकर अगर किसी ने मुझे नीचा दिखाया तो समझो वो गया। छोटा हो या बड़ा हो, सबको हिला के रख दूंगा। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, चीफ मिनिस्टर बनके मैं क्या उखाड़ लूंगा, ये सोचकर मुझे मामूली और कमजोर आदमी समझोगे ना, तो एक एक की फाड़ के रख दूंगा, याद रखना। चल रे, हमारी सारी करतूतें भगवान को भी नहीं पता, इसको कैसे पता चल गई? अगर ये फाइल बाजार में जाएगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो अब क्या करें? चुप रहेंगे। सर, आपको सीएम बने बहुत टाइम हो गया, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, आखिर आप कर क्या रहे हैं, मैं जान सकती हूँ? ये क्या है सर, मैंने इतने सारे सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जनता के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आप भी दूसरे नेताओं की तरह सच्चाई और ईमानदारी की बातें करते थे, लेकिन सीएम बनने के बाद आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं। आप जनता के लिए कुछ करते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, जनता ने आपसे उम्मीदें लगा रखी है सर, आप उनके लिए कुछ करेंगे कि नहीं सर? आज से हमारे राज्य में वाइन शॉप बंद होगा। शराब बंद ही करेंगे सर? वाओ, कमाल हो गया, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री पारितोष जी ने जनता के लिए एक अहम फैसला लिया है। आज से हमारे राज्य में 100 पर कॉल करने से पुलिस एक घंटे देरी से आ सकती है, लेकिन 200 पर कॉल करेंगे तो 2 मिनट में दारू की बोतल आपके घर पर आ जाएगी। ये तो बेकार की योजना है सर। ये फालतू की योजना नहीं है मैडम, टकीला योजना है। सीएम पारितोष जी ने लिया एक अहम फैसला। 200 पर कॉल कीजिए और शराब आपके घर के सामने पहुंच जाएगी। हमारे सीएम पारितोष हमारे खातिर टकीला योजना ला रहे हैं। तो क्या है भाई, 200 पे कॉल करेंगे ना तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे घर पे दारू आ जाएगी। हाँ तो लगा दो फोन। दो शून्य शून्य, हेलो टकीला, हेलो टकीला, हेलो टकीला, हेलो टकीला, 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 हेलो टकीला। पूरा खत्म हो गया यार, अब मैं क्या करूं? टकीला को फोन करना। आप भी पियो ना भाई, पियो भाई। सारे शराबी सीएम पारितोष को भगवान की तरह पूज रहे हैं और शराब की बिक्री दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ महिला संगठनाएं भड़क चुकी हैं। इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में कौन है आप सब जानते हैं? हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री पारितोष जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, वेलकम टू टूटूरा टीवी। सर, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद आपने जो पहली योजना लागू की वो है टकीला।
सारे शराबी इस योजना का बहुत गुणगान कर रहे हैं। इससे शराब की बिक्री भी बढ़ी है, लेकिन इसके विपरीत दूसरी तरफ महिला संगठन विरोध कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इससे क्या फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। और इसका विरोध करने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? एक और नई योजना शुरू करेंगे। हा? एक और नई योजना, वो क्या है सर? एक रुपए में एक किलो चावल, हर घर में मुफ्त का पानी और वृद्धों की पेंशन योजना में जोरदार बढ़ोतरी। ऐसी ही कोई योजना है क्या? लप्पा 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 की योजना है। What are you talking, सर? लप्पा की योजना, वो क्या है सर? जरा खुल के बताएंगे प्लीज। योजना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज और अभी से हमारे राज्य में गैर कानूनी व्यभिचार बंद। वाह, व्हाट अ ग्रेट न्यूज। अभी हमारे चैनल में आप सुन रहे हैं सीएम पारितोष का इंटरव्यू। सर एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिसके तहत व्यभिचार करने वाले और उन्हें चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सख्त दंड दिया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है ये। हेलो, थोड़ा खड्डा बंद करेंगे क्या सर? सॉरी सर। इस लपा 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 की योजना द्वारा इलीगल योजना को बंद करके व्यभिचार को लाइसेंस देकर लीगल करने वाला हूं। हमारे राज्य के सीएम पारितोष साहब एक नई योजना लेकर आ रहे हैं, लप 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 लपा की योजना। इस योजना में वो क्या नया करने वाले हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। बताइए सर। इस योजना के लागू होते ही आज से हमारे राज्य में लड़कों पर लड़कियां, लड़कियों पर लड़के अगर कोई भी यूटीजिंग करेंगे तो, या कोई भी लड़कियों को जबरदस्ती व्यभिचार करने पर मजबूर करेंगे या कोशिश भी करेंगे, या इस योजना का एडवांटेज लेकर लड़कियों का रेप करेंगे, किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो 000 पर कॉल कीजिए। 3 मिनट में पुलिस आपके सामने होगी। नो अरेस्ट, नो वारंट, स्पॉट इंक्वायरी, स्पॉट पनिशमेंट। सीएम पारितोष ने शुरू की हुई लापा की योजना के कारण देश की जनता हैरान है। लपा की। पारितोष जी, आप तो सच में भगवान हैं। आपकी वजह से मेरा सपना आज पूरा हो गया। अब तक न जाने कितने पुलिस वाले, सरकारी अधिकारियों ने हमारा इस्तेमाल किया, हमारे पैसों को लूटा है, लेकिन अब से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाऊंगी। शहर के कुछ लोग पारितोष जी को अपना भगवान भी मानते हैं। दूसरी तरफ जनता इसका विरोध भी कर रही है। ये कैसा मुख्यमंत्री है, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसकी कोई माँ बहन नहीं है क्या? उसका कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। वो हमारे राज्य पे लगा हुआ एक कलंक है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। बस पारितोष पारितोष कह करके वोट दे दिया। अब क्या हुआ, सबकी अठन निकल गई ना? दिमाग खराब हो गया उसका, दिमाग खराब हो गया। कल तक लोगों की नजर में भगवान बने रहे सीएम पारितोष जी अपने अजीब फैसलों की वजह से देश की जनता को और अपनी पार्टी को उलझन में डाल दिया है। हेलो, देखो भजन पार्टी की इज्जत निकालोगे ये कह करके तुम्हें सीएम का पोस्ट नहीं दिया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना सर, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो बहुत जिद्दी है साहब। दोबारा मीडिया के सामने आ रहे हैं सीएम पारितोष। इस बार कौन सी बेकार की योजना जारी करने वाले हैं, ये जानना रोचक रहेगा। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? तेरी तरह सॉलिड हूँ एकदम। सर, इंटरव्यू स्टार्ट करें? हाँ करना। अब तक आपने जो भी योजना बनाई है, उन योजनाओं के लिए सारे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने वाली जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए आपने क्या सोचा है? आपको निराशावादियों के जीवन में प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और मुझे आशावादियों की आँखों में खुशी दिखाई दे रही है। ये क्या है सर, आपने देश की जनता के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अच्छा बोले तो? मतलब किसी का तो भला हो सर। ओह गुड, वेरी गुड। तेरे मुताबिक कुछ लोगों को नहीं, सारी जनता को उसका फायदा हो, ऐसी एक योजना को बहुत सोच समझ कर लागू करने का फैसला किया। सुपर सर, वो क्या है सर? उफ़ू उफ़ू योजना। थोड़ा सही से बताइए सर।
मतलब विस्तार में बताना है, बताता हूँ। आज से हमारे इस राज्य में जहाँ घर का हर सामान मिलता है उन सभी किरानों की दुकानों को और सुपरमार्केट सब बंद करने वाला हूँ। आज के बाद हर राशन की दुकान में 1 रुपए किलो गांजा के साथ मिलेगा पान पराग सिगरेट गुटखा फ्री। आखिर अपने आप को क्या समझते हैं सर? शरीफ इंसान। पिछले कुछ दिनों से भुखमरी की वजह से आक्रोश में आई राज्य की जनता, शहर बंद होने की वजह से राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ। सोचा था तू जनता का भला करेगा, लेकिन ऐसा करेगा नहीं सोचा था। हमें बेवकूफ बना दिया तूने। तेरे साथ रहने से तो अच्छा था गांव जाके खेती बाड़ी करते। हाँ। तो चलते बनो। हम यहाँ पर खड़ा क्यों है, चल चलते हैं। हेलो, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? गालियां देने का मन कर रहा है ना? तो तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। बॉस, अपने बाजू वाले की तकलीफ सुनकर मुझे आंसू बहाने वाला समझा है क्या? नहीं, मैं पीछे से वार करने वाले को पहले मारता हूँ। हाँ, ये क्या, मेरी हरकतें देखकर आपको मैं पागल लग रहा हूँ क्या? इतने सारे मरे हुए पागल लोगों के बीच में जिंदा हूँ मैं, एक अच्छा इंसान हूँ मैं। ए समंता, क्या बोलती तू, बोलना। तुम्हारे बोलने के बाद और क्या बोलूंगी, राइट राइट बोलूंगी। ऐसे की अब उनको परवाह नहीं, मस्ती में जीते हैं हम तो ना हमें कोई डर। ए हम हुस्न के हैं दीवाने, ऐसा अपना जिगर। कड़ बकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सो, सोम लगा धागा और जोड़ निकल के भागा। तेरा मेरा मेरा तेरा ये दुनिया तो है एक फेरा, जीवन 4 दिनों का डेरा, तुझको भी एक दिन है जाना होगा। बॉस, आपने मुझे नालायक समझ रखा है क्या? जितना आप समझ रहे हैं उतना भी कमीना मैं नहीं हूं। ये 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 राजनीति का कीड़ा समझा है क्या? इस फील्ड में होते हुए भी मैं कोई स्वार्थी नहीं हूं। ए डाली समता, इतना सोच में काय को डूबी है रे?
अगर इतना दिमाग लगाएगी तो अपन को जिंदगी में कभी समझ नहीं पाएगी। अरे बच्चा छड़ी रखना, अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा सोचा था, लेकिन ऐसे सुपर हिट मारोगे मुझे क्या पता था। तेरी सोच तो जानू मस्त है रे। मिस्टर पारितोष, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस इंस्पेक्टर, आप पागल हो गए क्या? एक सीएम के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? बी इन योर लिमिट्स। हेलो हेलो पारितोष जी, आप कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको सीएम पद से निकाल दिया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। सीएम पारितोष गिरफ्तार हो चुके हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, उससे भजन पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, इस वजह से भजन पार्टी ने सीएम पारितोष को पद से हटाने का फैसला किया है। लोग जिसे इंसान के रूप में राक्षस समझ रहे हैं, ऐसे सीएम पारितोष को पुलिस ने अरेस्ट किया। दूसरी ओर राज्य की जनता आक्रोश में है, जनता का कहना है कि सीएम पारितोष जहां दिखेगा वहीं उसका खून किया जाए। राज्य के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। कोर्ट के चारों ओर 30 किलोमीटर के क्षेत्र में 144 धारा लगाई गई है, कोर्ट के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। सर इस माहौल में पारितोष जी का केस आप लड़ेंगे क्या? अगर उसका सपोर्ट करूंगा तो न्याय की देवी शर्म के मारे मर जाएगी। उन्हें किस तरह की सजा मिल सकती है? ऐसे इंसान के लिए फांसी की सजा भी कम होगी। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, जान से मार डालो इस कमीने को, जान से मार डालो। मैंने कहा था ना एक दिन इसके साथ ऐसा ही होगा। योजना बनाता है कमीने। जय टेकिला। केस शुरू किया जाए। योर ऑनर, पावर मिलते ही अपने पद का दुरुपयोग करने वाले ये मुख्यमंत्री पारितोष, जिन्होंने जनता के लिए ऊटपटांग योजनाएं बनाई, इनकी योजनाओं की वजह से जनता आज नशे का शिकार हो चुकी है। इतना ही नहीं, व्यभिचार अब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, समाज में हर तरफ त्राही त्राही हो रही है। इतना ही नहीं योर ऑनर, इनकी योजनाओं की वजह से आने वाले भविष्य में हजारों जिंदगियां खराब हो सकती हैं। योर ऑनर, इस केस में तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई अपने पद का दुरुपयोग ना कर सके। मेरी आपसे यही गुजारिश है योर ऑनर, दैट्स ऑल। जिम्मेदारी के पद पे होकर अधिकार का दुरुपयोग करने के अलावा करोड़ों मासूम जनता की मान और जान के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा आप पर आरोप है। इसका कोई जवाब है आपके पास? इस मामले में कहने और सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा योर ऑनर। ये देखिए योर ऑनर, इनकी जारी की हुई योजनाएं खुद कह रही हैं कि ये आदमी एक देशद्रोही है। इन योजनाओं से तुमने आखिर क्या हासिल कर लिया? मासूम जनता की जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। क्या हासिल नहीं किया बताइए लॉयर चक्रधर साहब? मैंने करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। यस yes. मतलब मेरे उस टकीला योजना को लाने से पहले इस देश में दारू नहीं थी क्या, या फिर इससे पहले पीने वाले लोग नहीं थे? बताइए लॉयर चक्रधर साहब। पहले जनता सिर्फ रात के समय पिया करती थी, तुम्हारी योजनाओं के बाद सुबह शाम हर वक्त पी रही है।
पहले लोग पीकर सड़कों पर कहीं भी गिर जाया करते थे, लेकिन अब घर में पीकर शांति से सो जाते हैं। इतना ही नहीं, ड्रंक एंड ड्राइव केस भी नहीं है, पीने के बाद झगड़े करने वाला केस भी नहीं है। इतना ही नहीं, इससे भी बढ़कर मेरे जारी किए हुए टकीला योजना के जरिए करोड़ों बेरोजगार युवकों को नौकरी मिली है। सर सुन ली तुम्हारी बात, लेकिन इस लपाकी योजना के बारे में क्या बोलोगे तुम? देश की संस्कृति को तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी वजह से देश की सारी महिलाएं अपमानित महसूस कर रही है मिस्टर पारितोष। वाह कमाल है, अभी अपमानित हुई है क्या? इससे पहले तो पवित्र गंगा नदी में स्विमिंग कर रहे थे क्या? वैसे व्यभिचार होता क्या है सर? एक महिला अपने घर वालों का पेट भरने के लिए अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर किसी अनजान इंसान के साथ सोती है तो उसे व्यभिचार कहते हैं, गैर कानूनी काम कहते हैं। हाँ तो फिर पार्कों में पेड़ों के पीछे, पब में अंधेरे के पीछे अपनी हद पार करने वाले लोगों को चुपचाप देखते वक्त आपको याद नहीं आती क्या इस देश की प्रतिष्ठा? पारितोष जी, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं या फिर अदालत को गुमराह कर रहे हैं? मुझे स्मार्ट तरीके से बात करना नहीं आता और अदालत को गलत साबित करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। अगर ऐसा है तो उस राशन की दुकान में उफ उफ की योजना आपने कैसे जारी की? उसकी वजह से बहुत से लोग अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं और बहुत से नादान लड़के कैंसर के शिकार हो रहे हैं। इस शहर को क्या हुआ है? इस शहर को क्या हुआ है सर? एक तरफ बदबू, दूसरी तरफ धुआं, आखिर सब चुप क्यों है सर? मेरा नाम मुकेश है, सिगरेट, पान, पराग, गुटखा सब खाता हूँ। आप भी खाएंगे तो जल्दी ऊपर जाएंगे। इसके बाद भी कोई सुनता है क्या? नहीं सुनता, क्योंकि अपने देश के बहुत से लड़के जितना सिगरेट पैकेट को इज्जत देते हैं उतना एक महिला को नहीं देते। उफू उफू करके वो जो कीमत मामूली से धुएं को देते हैं अपनी लाइफ को नहीं देते। सिगरेट, पान, पराग, गुटखा और गांजा, इन सारी चीजों से उन्हें खुशी मिलती है और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बोलो भारत माता की जय, जय, जय। होल्ड योर टंग, इस पवित्र शब्द को कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। सॉरी योर ऑनर, आई कांट कंट्रोल मायसेल्फ। इनकी सारी योजनाएं पूरे समाज के लिए बहुत ही घातक हैं, आतंकवादियों के हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इतना काफी है योर ऑनर इसे कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए। हेलो लॉयर साहब, कौन सी सजा देंगे? ज्यादा से ज्यादा फांसी, इतना ही ना? अगर आप सिस्टम की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं ना तो मुझे अभी सजा दीजिए सर। लेकिन इस रिस्पेक्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए मेरी एक छोटी सी तमन्ना है, पूरी करेंगे सर? तमन्ना? कैसी तमन्ना? कहिए कानून से आप क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आई एम सॉरी योर ऑनर। बताइए क्या है आपकी तमन्ना? इस मिट्टी में पले बड़े इंसान के हाथों से मैं मरना नहीं चाहता। अगर मर भी गया तो मेरी लाश इस मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए, बस इतना ही योर ऑनर। क्यों, तुम्हें फांसी देने के लिए कोई विदेशी आएगा क्या? तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो इस देश की धरती के अंदर ही होगा। तुझे पता ही क्या है इस देश की महानता के बारे में? संस्कृति, भाषा, विज्ञान, हर चीज में नंबर वन है ये देश। अहिंसा, परमो धर्मा, ये इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अहिंसा को पूरे विश्व भर में फैलाने वाले महात्मा गांधी ने इस देश में जन्म लिया था। बड़े बड़े महापुरुष इस धरती में जन्मे हैं, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब इसी देश में जन्मे हैं। सारी दुनिया को जीतने वाला अलेक्जेंडर, उसके गुरु एरिस्टोटल हमेशा इस बात के लिए दुखी रहते थे कि उनका जन्म भारत देश में नहीं हुआ। इतना बड़ा महान है ये हमारा भारत देश, इतने महान महापुरुषों की जन्म भूमि में मैंने जन्म लिया है, इस बात का मुझे गर्व है और हमेशा रहेगा। मेरा भारत महान। बहुत हो गया, बस करो। इस देश में जन्म लेकर गर्व करने से कुछ नहीं होगा सर। हमें देखकर इस देश को कभी गर्व हुआ है क्या सर? कम से कम ऐसी सोच भी आपको कभी आई है क्या? जब भी देखो गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद वगैरह वगैरह, सिर्फ वो ही इस देश में पैदा हुए हैं क्या? क्यों, हम नहीं पैदा हुए? हमें जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए क्या? आज भी अच्छे लोग हैं सर, आपके बताए हुए महान लोग, महात्मा लोग, देशभक्त लोग, घर घर में, गली गली में, गांव गांव में रहते हैं सर। लेकिन हमारी बदनसीबी क्या है जानते हैं सर? वो हमारी ये राजनीति है सर। एक समय जनता की भलाई के लिए राजनीति थी, लेकिन आज जनता को लूटने के लिए ही राजनीति रह गई है सर।
जात पात के नाम पर हमारे नेता हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके हम आदि हो चुके हैं सर। हजार का नोट देंगे तो वोट देंगे, वरना अपना कदम पीछे रखकर सिर्फ देखते रहते हैं सर। इसलिए इस देश में ना तो मैं रहना चाहता हूँ, ना बिना मकसद के जीना चाहता हूँ, और ना ही कुछ हासिल करना चाहता हूँ। अपने देश के काबिल लोग विदेशी पैसों से प्यार कर रहे हैं और देश छोड़कर अपना घर पराये देशों में बसा रहे हैं सर। हमारे महात्माओं में गांधी की तरह आदर्शवादी बनने की भावना छोड़कर पैसों को ही अपना भगवान समझकर विदेश जाकर अपना धर्म तक बदल रहे हैं सर। हमारे देशभक्त लोग हमारी भारत माता को छोड़कर अमेरिका ही हमारी माँ है कहकर उन लोगों की गुलामी कर रहे हैं सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज हम अपने देश पर किस बात का फक्र करें। आप भी मुझे बताइए, हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो उनसे बेहतर है सर। अपनी माँ को खिला नहीं सकता, पत्नी को सुख नहीं दे सकता, सोचकर कुली का काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो उनसे कुत्ते की तरह पेश आते हैं वो गल्फ वाले सर। मर्दानगी दिखाने 10 मिनट में दुनिया के नक्शे से भारत देश का नाम मिटा दूंगा कहते हैं वो पाकिस्तान के टेररिस्ट। लेकिन हम हिंदुस्तानी 2 साल तक सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलेंगे कहकर बड़ी बहादुरी से इतना ही ऐलान करते हैं, यही है हमारी देशभक्ति। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। मतलब तुम्हें भी इस देश से प्यार है, इस देश पर तुम गर्व महसूस करते हो, यही ना? यस, करता हूँ। इतना ही नहीं लॉयर चक्रधर साहब, इस देश की भलाई चाहने वालों में से कुछ बचे थोड़े लोगों में से मैं भी एक हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो पद मिलने के बाद तुमने सेहत के लिए हानिकारक गुटखा, शराब, सिगरेट और व्यभिचार को भी बैन क्यों नहीं करवाया? बैन करवा सकता था सर, सिगरेट, पान पराग, गुटखा, गांजा सब कुछ बैन करवा सकता था सर। लेकिन फिर 5 साल के बाद कोई दूसरी सरकार आती और उसे फिर लागू कराती तो उसे उस वक्त रोकने का दम होगा क्या आप में? खैर छोड़िए, अगर कोई बाहर के राज्य से मंगवाता है, ब्लैक में बेचता है, तो शराब मत पीजिए, उफ उफ करके सिगरेट मत पीजिए, आपको लोगों से कहने की हिम्मत है? आप नहीं तो इस राज्य का कोई भी एक आदमी ऐसा कर सकता है क्या? वैसे व्यभिचार भी बंद करवा देंगे सर, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग श्रीराम जैसे महान लोग हैं और सीता देवी जैसे पतिव्रता भी हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर रावण जैसे पापी लोग भी हैं। नाजायज रिश्ता कायम करने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली पतिव्रता स्त्री भी हैं। व्यभिचार को तो बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे दरिंदों को कौन रोकेगा सर? सरकार के बदलने से इंसान दिल से नहीं बदलेगा सर, इस देश में बदलाव लाने के लिए उन्हें खुद बदलना होगा। आपका मतलब इस देश की जनता को सोसाइटी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? है सर, इस देश में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इससे भी बढ़कर अपने फायदे के लिए कई लोगों की जान लेने का हम स्वार्थ भी रखते हैं। एक बड़ा आदमी बनने के लिए हम कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने की सोच रखते हैं सर। कारण क्या है जानते हैं सर? हमारी माँ, हमारा बाप। आपने बिल्कुल सही सुना है सर, यहाँ बहुत से माँ बाप अपने स्वार्थ के लिए जीना सिखाते हैं, लेकिन देश के खातिर क्यों नहीं जिया ये कोई नहीं कहता सर। और तो और, हमें पढ़ाने वाले गुरुजी जिंदगी को कैसे जिया जाता है ये कभी नहीं पढ़ाया। मार्क्स से जुड़ी चीजों के अलावा दूसरी चीजें क्यों नहीं पढ़ाते सर? उनकी बात छोड़िए सर, यहाँ मेरी आंखों के सामने आपके ये लोग और खुद आपने भी कभी एक नागरिक होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, देश के लिए मैं भी कुछ करूं कभी सोचा? ये मैं क्या बताऊं आपको? ये क्या सर, भारत देश मेरी मातृभूमि है, भारतीय मेरे भाई बहन है कहकर कभी प्रतिज्ञा नहीं ली? प्रतिज्ञा ली है, और इसमें गलत क्या है? तो फिर मैंने जो किया वो कैसे गलत हो गया सर? तुमने जो कुछ किया वो सब गलत है, तुम बच नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, कानून तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर देगा। दे दीजिए सर, फांसी पर चढ़ा दीजिए सर, मेरे जैसे गुनेगार को इस देश में 1 मिनट भी रहने मत दीजिए सर। लेकिन उससे भी पहले इस गुनेगार के भाई बने बैठे हुए आपको, 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 आप सभी लोगों को हथकड़ी पहननी होगी। बचपन में मुझे पढ़ाकर मुझे इस स्थिति पर पहुंचाने का कारण बने हुए मेरे गुरुजी को अरेस्ट करना होगा। इस पापी को बचपन में ही अनाथ बनाकर मुझे इस जगह पर पहुंचाने का कारण बनने वाले मेरे माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी सर, चाहे 4 दीवारों के बीच में मुझे फांसी दे दो या फिर बीच सड़क पर मुझे गोली मार के फेंक दो, आपकी मर्जी सर, आपकी मर्जी। आई एम रेडी टू डाई फॉर माई कंट्री, कैन यू, एनीबडी? मर नहीं सकते सर,
क्योंकि यहाँ पर तो हर कोई पहले से ही मर चुका है, लालच नाम की चीज के नीचे दब चुका है। यहाँ तो लोग सिर्फ एक ही मकसद से जीते हैं, हमेशा सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं। ये चोचले सिर्फ तीन वक्त की रोटी के लिए है सर। आते वक्त हम क्या लेकर आए थे सर? भगवान ने क्या देकर भेजा भूख नाम की चीज के अलावा? और क्या लेकर जाएंगे यहां से जाने के वक्त मां की ममता के अलावा? एक इंसान होने के नाते पैसे, रिश्ते, जाति और धर्म, इन सब से पहले एक इंसानियत नाम की चीज होती है सर। देश की भलाई करना अगर गुनाह है तो मैं गुनेगार हूं सर, और अपने देश के लिए ऐसे गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा सर। सारे विवादों को सुनने के बाद पारितोष जी ने जो भी काम किया है समाज की भलाई के लिए किया है, अदालत ये मानते हुए, पारितोष जी को बेकसूर मानते हुए ये केस क्लोज किया जाता है। महान लोग, महात्मा लोग, देशभक्त लोग हमेशा देश की भलाई के बारे में सोचकर अमर हो गए। कभी कभी हमें भी भारत माता की हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री पारितोष जी ने जो भी काम किए थे वो देश के हित के लिए किए थे। मुख्यमंत्री पारितोष जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आओ, एक मिनट। हेलो हेलो पारितोष जी, मैं बजरंगी भाई जान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। ये राजनीति है बेटा, जो हुआ वो भूल जाओ। तेरी जरूरत अभी सिर्फ उसी राज्य को नहीं पूरे देश की जनता को है। जल्दी दिल्ली आओ। फिर से एक बार सोच लीजिए सर, उसके बाद ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। बात मत करना बेटा, जल्दी दिल्ली आओ। ठीक है। आओ। किसका फोन था? तुम्हारे मामा जी का। क्या कह रहे थे? दिल्ली बुला रहे हैं। किस लिए? हनीमून के लिए।